हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी हमारे कोर्स का जो सिलेबस है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने डाली थी हमारे कोर्स के बारे में, जिसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था सब लोगों का। बट कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे सिलेबस को लेके। ऑल दो हम लोगों ने लिंक पे वो डिटेल सेशन वाइज सिलेबस पेस्ट किया हुआ है, बट स्टिल इस वीडियो में मैं आपको गो थ्रू कराऊंगी हमारा सिलेबस जो हम लोग अपने वीडियो कोर्स के थ्रू, वेबिनार कोर्स के थ्रू कवर करेंगे। सो टोटल मिला के जो हमारा कोर्स है वो 12 सेशंस के अंदर डिवाइडेड होगा और हर सेशन दो दो घंटे की ड्यूरेशन का होगा। सो फर्स्ट सेशन जो हमारा होगा, जो कि 6 अप्रैल 2019 को स्टार्ट होगा, उसको हम लोग शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, यानी कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा कुछ जर्नल एंट्रीज और जो बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जीएसटी की, वो सारी की सारी हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। देन उसे नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे लेवी एंड सप्लाई, तो जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट हैं जीएसटी के। साथ ही जो एचएसएन कोर्स हैं उनको किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, और जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं जो हमें याद रखनी है और जिनकी हमें बार बार एक्चुअली जरूरत पड़ेगी, वो सारे नोटिफिकेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसमें। और ये हम लोग अमेंडेड, यानी कि जो टिल डेट अपडेटेड नोटिफिकेशन हैं वो करेंगे। ये वो नोटिफिकेशन हैं एक्चुअली जिनमें बार बार चेंजेस आते हैं, जैसे टैक्स रेट के, एग्जेम्पशन के उनके केस में। देन जो इम्पॉर्टेंट लेवी सेक्शन है, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, ये पांचों सेक्शन हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। थर्ड सेक्शन के अंदर हम लोग कवर करेंगे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इंक्लूडिंग द रूल्स। तो 16, 17, 18, 19 सेक्शंस और जो रूल्स हैं हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन फोर्थ सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड टाइम ऑफ सप्लाई। तो रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, उसके इंपॉर्टेंट इशूज, और टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग कवर करेंगे। सो फिफ्थ सेशन में हम लोग कवर करेंगे 10, 11, 12 एंड 13 सेक्शन ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इसमें सेक्शन 12 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज भी आया है अभी सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट से। तो जो हमारे ये चार सेक्शन है प्लेस ऑफ सप्लाई को डिफाइन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई ही बैकबोन है पूरे जीएसटी को डिसाइड करने का। देन सिक्स सेशन में हम लोग कवर करेंगे जो एससीजेड सप्लाई, एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट एंड रिफंड हमें किस तरीके से क्लेम करना है। तो रिफंड की जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इस सेशन के अंदर। सेशन सेवेंथ में हम लोग कवर करेंगे जो डिफरेंट रिटर्न्स हैं, जो बेसिक रिटर्न्स हैं GSTR 1, 3B। अब क्योंकि सुगम और सहज भी तब तक आ चुकी होंगी, एक्सपेक्टेशन है कि उन्होंने कहा था कि अप्रैल में वो उसका डेमो बेसिकली प्रोवाइड करेंगे, ऑप्शनल प्रोवाइड कराएंगे, तो उनको भी फिर हम यहाँ पे कवर करेंगे। सेशन एट के अंदर हम लोग कवर करेंगे GSTR 9, 9A और 9C, बहुत इंपॉर्टेंट है एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटी की। नाइन्थ सेशन के अंदर हम लोग कवर करेंगे ऑफेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस जो हैं जीएसटी के, बहुत कम लोगों को इनके बारे में डिटेल नॉलेज होती है बट इम्पॉर्टेंट है ये भी। देन सेशन 10 के अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे, डिटेल रिवीजन ईच एंड एवरी प्रोविजन का जो हमने किए थे उनके पुराने सेशंस में। देन 11th सेशन के अंदर हम लोग ईवी बिल डिस्कस करेंगे, और 12th सेशन के साथ में हम लोग जॉब वर्क, अपील एंड प्रोसिक्यूशन और जॉब वर्क के रिटर्न फाइल करने से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है वो कवर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो, और जो फाइलिंग और इम्पोर्टेंट डेमोज है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस था हमारे जीएसटी का कोर्स का। इसके अलावा भी आप कोर्स रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। सो विद दिस सिलेबस ऑफ आवर कोर्स आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।